Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. Today we are doing question number 8 from exercise 8.4. The question is, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus 10 square A divided by 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not. मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन में ये जो हिंट गिवन है कि 3 cot A अगर 4 की इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. तो जो हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन इज गिवन 3 cot A इक्वल टू 4. तो क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि cot A इक्वल टू 4/3. हम इसे राइट कर सकते हैं, 3 यहाँ मल्टीपल में तो डिवाइड में 3 आ जाएगा. अब इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉट क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बताती हूँ. पी बी पी एच एच बी. तो कॉट का कौन सा रेशियो होता है इसमें से, ये साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक्स कॉट कॉट हो गया लास्ट में. तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, पी एच एच बी, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के. तो कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, लेकिन जो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें पी बी एच, इन्हीं 3 से ट्राइंगल कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे पी और बी तो हमें पता है बट एच हमें नहीं पता. तो क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कैसे करना है वो हम देखते हैं. ओके, तो ये ट्राइंगल एंगल ए हमें गिवन है, एंगल ए की वैल्यू हमें गिवन है. तो हम एंगल ए को कहाँ पे लेंगे, बेस पे, और लेट की एंगल बी हमारा 90 डिग्री. ओके, और ये सी. तो जिस भी एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है या जिसके गिवन है उसको ऑलवेज बेस पे लेना है. बेस के जस्ट सामने वाला एंगल होता है, बेस के जस्ट एंगल के जस्ट सामने साइड होती है परपेंडिकुलर. तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जो साइड उस एंगल को टच नहीं करती. यहाँ देखो ये साइड और ये साइड इस एंगल को टच कर रही है, तो ये क्या हो गई, बेस. जो 90 पे है वो बेस, और ये जो स्लोप लिए हुए ये होती है हाइपरटेनियस, और जो टच नहीं कर रही है वो है परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हम पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे कॉट परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 4. ओके, परपेंडिकुलर, सॉरी, कॉट इज बी अपॉन पी, कॉट इज बी अपॉन पी, ये हमने 10 लिख दिया. कॉट इज बी अपॉन पी, तो कॉट होता है बी अपॉन पी. तो बेस कितना हो गया यहाँ पे 4, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3. ओके, तो यहाँ पे कॉट हो गया बी. नाउ अब हम यहाँ पे हाइपरटेनियस को फाइंड करते हैं. तो हाइपरटेनियस हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपरटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें बेस हाइपरटेनियस फाइंड करना है. तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है 4 स्क्वायर, बी सी इज 3 स्क्वायर. तो ये हो गया 16 + 9, दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज 25. स्क्वायर इधर से ट्रांसफर होके जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो हो जाता है स्क्वायर और रूट. अब हम 25 को देखते हैं कि ये फैक्टर से अंडर रूट से बाहर आता कि नहीं. तो 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5. तो ये हो गया ए सी इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो दिस इम्प्लाइज ए सी कितना हो गया 5, यूनिट हमें कुछ नहीं गिवन. तो ए सी हमारा हाइपरटेनियस हो गया 5. ओके, नाउ आर ट्राइंगल इज कंप्लीट. नब अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम वो राइट कर दें. तो सबसे पहले हमें जो हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है चेक करना है, तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 − 10² a, 1 + 10² a. तो यहाँ इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे ट्राइंगल से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू पुट करेंगे. तो 10 थीटा कितना हो गया, या 10 ए इससे कितना आ जाएगा, 10 ए होता है यहाँ से पी अपॉन बी, ये होता है 10 थीटा का रेशियो, साइड के रेशियो में आता है पी अपॉन बी. तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है 3, और 10 कॉट का रिवर्स भी होता है, 10 इक्वल टू 1/cot होता है, cot 1/10 होता है. तो ये हो गया 3 अपॉन
4, cot a 4 by 3 ना, देखो tan a 3 by 4 हो गया. Now अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट करके और इसको सॉल्व करते हैं. ओके तो यहां से हमने स्टार्ट किया 1 minus 3 by 4 square divided by 1 plus 3 by 4 square. ओके अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं. दिस इंप्लाइज 1 minus 9 by 16, 3 का square 9, 4 का square 16, और ये 1 plus 3 का square 9 और 4 का square 16. ओके अब क्या करना है, हमें LCM लेना है इसको सॉल्व करने. तो यहां पे डिनोमिनेटर में 16 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हम 1 लेट कर, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा. तो 16 और 1 का LCM हो गया 16. ठीक है, ये डिवाइड. तो यहां पे 16 लाने के लिए 61 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 16 बार. तो ये 16 minus 9, और डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे 16 plus 9 by 16. ओके नाउ उसको सॉल्व कर लिए, 16 minus 9 हो गया 7 by 16, और ये हो गया 25 by 16. ये हमारा डिवाइड का है. अब हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मल्टीपल में. तो मल्टीपल में कैसे चेंज करेंगे, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर. ओके तो ये यहां पे 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया 7 by 25. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. ओके नाउ अब हमारा राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a. ओके तो ये हो गया. नेक्स्ट इज आवर राइट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड वो है हमारा cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a. ओके तो अब हम यहां पे ट्रायंगल से पहले sin cos की वैल्यू राइट कर लेते हैं. तो यहां से cos a, cos a कितना होता है यहां pbp, तो ये हो गया, ये होता है फर्स्ट रेशियो होता है sin थीटा का, और ये होता है cos थीटा का. तो cos होता है b upon h, और sin देखो sin कितना होता है, तो sin a होता है p upon h, perpendicular upon hypotenuse. ओके नाउ हम ट्रायंगल से इनकी वैल्यू राइट कर लेते हैं. तो cos हो गया b upon h, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस से 5, और sin कितना है p, perpendicular is 3 और hypotenuse is 5. तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करके और इसको सॉल्व कर देते हैं. तो यहां पे cos की वैल्यू पहले पुट करना है, 4 by 5 square minus 3 by 5 square. ओके नाउ 4 square is 16, 16 by 25 minus 9 by 25, 3 का square 9, 25 का 5 का square 25. नाउ हम टेकिंग LCM, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो LCM कितना आएगा 25. तो न्यूमरेटर में भी किसी से मल्टीपल नहीं करना, जो है वही रहेगा. 16 minus 9 कितना हो गया 7 by 25. तो ये है हमारी राइट हैंड साइड. तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड भी 7 by 25, राइट हैंड साइड भी 7 by 25. तो कंक्लूजन इज, दिस इंप्लाइज 1 minus tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 plus tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, मींस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में पूरी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.